फ्रेंड्स होली आ रही है, रंगों से खेलना सबको पसंद है। फ्रेंड के साथ खुलना मिलना, मस्ती करना, बातें करना, सबको सब कुछ पसंद है। लेकिन उसके बाद स्किन से रंग निकालना उतना ही बोरिंग काम है। और उसके बाद स्किन से होने वाली जो जो डिफिकल्टी है, जैसे स्किन रैशेस, पिंपल, ड्राई स्किन, उफ, ये सब से निकाल पाना उतना ही बोरिंग। लेकिन इन सबसे छुटकारा पाने के लिए मैं आज लेकर आई कुछ टिप्स, जो आप ध्यान में रखेंगे तो ना ही वो डिफिकल्टी होगी और ना ही रंग निकालने में उतना टाइम लगेगा। तो आइए तो जानते हैं कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव आज आपसे बात करूंगी होली से पहले क्या क्या ध्यान रखना है और होली के बाद में क्या क्या ध्यान रखना है। आइए जानते हैं होली के पहले क्या करना है। सबसे पहला आता है कपड़े की चॉइस। कपड़ा ऐसा पहनिए जो आपकी बॉडी को कवर करता हो, सबसे ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी एरिया को कवर करता हो, यानी कि फुल स्लीव वाली टी शर्ट हो, जीन्स हो, ट्रैक हो, ये पहनिए। शॉर्ट्स, कैप्री, ये सब अवॉइड कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन कॉन्टेक्ट कलर से कम होगा और जो आने वाली डिफिकल्टी है वो आपको बहुत सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आता है लेयर बनाना। आप जब भी होली खेलने जाए अपने फेस वॉश कीजिए, बाद में कोई मॉइस्चराइजर, टोनर या फिर स्किन टोनर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगा के चाहिए। जैसे कोकोनट ऑयल है, सनस्क्रीन है, कुछ भी आपके पास अवेलेबल वो लगा के चाहिए, क्लियर बना के चाहिए। उससे क्या होगा, जो रंग लगेगा उसका डायरेक्ट स्किन के पास कॉन्टेक्ट नहीं होगा, तो जो स्किन में डैमेज होगा वो उतना नहीं होगा जितना पहले होता है। इसीलिए कभी भी बाहर चाहिए ये सब एक लेयर बना के चाहिए। और ये लेयर कान के अंदर, नेक पर, ये सारी जगहों पर लगाना खास करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये सब जगह पे रंग निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। और हाँ, अपने नेल पेंट भी जरूर करके चाहिए। नेल में से कलर निकालने के लिए आपको एक महीना लगेगा, इससे अच्छा है आप नेल पेंट करके ही चाहिए। तीसरा आता है आपका, अगर किसी जगह पर स्किन रैशेस है, घाव है या ड्राई स्किन है, स्किन एलर्जी है, तो आप प्लीज रंगों से खेलना अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आपको अभी कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जो एक दो महीने पहले कंप्लेंट थी जो अभी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो भी रंगों से नहीं खेलिएगा, क्योंकि इससे स्किन डिजीज रिलैप्स हो सकता है। इसीलिए प्लीज इस तरह के कंडीशन में रंगों से मत खेलिए। आप जब भी बाहर जाइए दो तीन गिलास पानी पीकर ही जाइएगा, क्योंकि आपके रंग में खेलने का है वो धूप में खेलना है, आपका डिहाइड्रेशन होने के पूरे चांसेस है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं या कोई भी कंप्लेन हो सकती है। उसके अलावा आपकी स्किन भी ड्राई होगी, तो जो केमिकल की इफेक्ट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और एक बात को और ध्यान रखना है कि आप कलर वाले हाथों से कुछ भी खाइए पिएगा नहीं, क्योंकि कलर्स में जो केमिकल्स आते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। वो आपके फूड में लग जाएगा और वो फूड आपके पेट में जाएगा, तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ये सारी बातें हैं जो आपको खेलने से पहले ध्यान रखनी है। अभी वो कौन सी बातें हैं जो खेलने के बाद में घर पे आने के क्या करेंगे। जो कलर का काम है वो बहुत ही डिफिकल्ट और बोरिंग है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप जब भी घर पे आइए तो कलर को बिल्कुल सूखने ना दे, जो कलर है वो तुरंत ही निकाल दे जितना पॉसिबल है उतना। उसके लिए क्या करना है, एक बाल्टी में पानी लेना है और वो लुकवार्म हॉट होना चाहिए, यानी कि थोड़ा हल्का सा गर्म होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा बेबी ऑयल के ड्रॉप्स डालिए, लेमन डालिए और फिर उसे आप नहा लीजिए। उसके आपको कलर निकलने में जो डिफिकल्टी है वो आती हो जाएगी। आप जो साबुन इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी मॉइस्चराइज साबुन होना चाहिए। मॉइस्चराइज साबुन से आपके जो ड्राइनेस, इचिंग है स्किन में वो नहीं होगी और जो मॉइस्चराइजर है स्किन का वो बना रहेगा। इसीलिए जो पिंपल होते हैं, रेसेस होते हैं, स्किन एलर्जी, छोटी छोटी फोलियाँ होती है वो नहीं होगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं भी पिंपल निकल आए, आपने ये सब कर लिया तो भी पिंपल निकल आए, तो क्या करना है, क्लिंडामाइसिन की टेबलेट आती है, जेल आती है, वो लगा लीजिए। उससे आपको पिंपल है वो ठीक हो जाएगा। एलोवेरा होता है, एलोवेरा भी आप मसाज कर सकते हैं स्किन पर, उसके आपकी स्किन हाइड्रेट रखेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई हो चुकी है तो जो बनाना होते हैं उसकी थोड़ी स्लाइस ली, उसमें थोड़ा दही कट डालिए और उसका मसाज कीजिए, वो भी अच्छा मॉइस्चराइजेशन होता है। आपके घर में बेसन है तो बेसन लीजिए, उसमें थोड़ी टर्मेलिक यानी कि हल्दी डालिए और दो तीन ड्रिप बेबी ऑयल डालिए या कोई भी ओलिव ऑयल कोई भी डालिए, उसका मसाज कीजिए, वो भी आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी बातें जो आपको होली में ध्यान में रखनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को भेजना मत भूलिएगा, ताकि उसको भी ये बोरिंग कामों से छुटकारा मिले और जो होली की मस्ती है वो बरकरार रहे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी होली।